हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर आया हूं, अगर बात करते हैं उस मकान की साइज की, तो यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास मकान की चौड़ाई रहेगी वो हमारे पास है कि 30 फिट, और जो हमारी मकान की लंबाई है यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास है कि 35 फिट। तो 30 × 35 हमारे पास टोटल मकान का एरिया हो जाएगा। और इसके अलावा 35 फिट के अलावा यहाँ पर देखिए 5 फिट बाय 13 फिट 6 इंच का यहाँ पर अलग से बरामदा दे रखा है। तो टोटल अगर यहाँ तक मकान की लंबाई की बात करते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगी 40 फिट। तो चलिए इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है बरामदा जिसकी हमारे पास साइज है 5 फिट बाय 13.5 फिट, और बरामदा के जैसे सामने हमारे पास घर का मेन डोर है 4 फिट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं ड्राइंग रूम के अंदर जिसकी हमारे पास साइज है 12 फिट बाय 12 फिट। 12 बाय 12 का हमारा ड्राइंग रूम है जिसकी 4 फिट की विंडो सामने निकल रही है। और फिर यहाँ पर देखिए 2.5 फिट का दरवाजा, कॉमन टॉयलेट है जिसकी हमारे पास साइज है 5 फिट बाय 6 फिट, जिसका 2 फिट का वेंटिलेशन सामने निकल रहा है। ड्राइंग रूम सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास आता है डाइनिंग और लिविंग एरिया जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाय 15 फिट 9 इंच, और इसी के अंदर हमारा स्टेयर शामिल है। यहाँ सब करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, और 3 फिट बाय 3 फिट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग होगा जो कि हमारे पास डुप्लेक्स स्टाइल के अंदर है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फिट का दरवाजा, और हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाय 12 फिट, जिसकी 1 4 फिट की विंडो सामने और 1 4 फिट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। इस बेडरूम से सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ से स्टेयर केस अप हो रहा है उसके पास में 3.5 फिट का दरवाजा, हमारा किचन है जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाय 10 फिट, जिसकी 1 4 फिट की विंडो यहाँ पर और 1 4 फिट की विंडो पीछे निकल रही है। किचन से बाहर आते यहाँ पर देखिए 3.5 फिट का दरवाजा, और हमारा घर का सेकंड बेडरूम है जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाय 12 फिट, जिसकी 4 फिट की विंडो पीछे निकल रही है। और इस बेडरूम का अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फिट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट है जिसकी हमारे पास साइज है 5 फिट बाय 10 फिट, जिसका 2 फिट का वेंटिलेशन यहाँ पर निकल रहा है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फिट का दरवाजा, और हमारा घर का तीसरा बेडरूम है जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाय 12 फिट, जिसकी 4 फिट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फिट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट है जिसकी हमारे पास साइज है 5 फिट बाय 5.5 फिट, जिसका 2 फिट का वेंटिलेशन यहाँ पर निकल रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको उसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 30 फिट मकान की चौड़ाई है, 35 फिट मकान की लंबाई है, और इसके अलावा यहाँ पर 5 फिट बाय 13.5 फिट का यहाँ पर बरामदा है। ये हमारे पास है घर का मेन डोर, मेन डोर सेंटर होती है यहाँ पर ड्राइंग रूम में, यहाँ पर कॉमन टॉयलेट है, ये हमारा बेडरूम है। इस आगे चलते हैं तो यहाँ पर डाइनिंग और लिविंग एरिया और स्टेयर है। फिर यहाँ पर ये बेडरूम है, इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट है, और पीछे की साइड बात करते हैं यहाँ पर किचन, ये बेडरूम और इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज इस डिज़ाइन के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।